देखिए इसका थर्ड नंबर, यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ थर्ड नंबर में, तो एक कॉलम मैट्रिक्स है, 4 1 3 एक एलिमेंट है इसके इनटू में ए, और यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट मैट्रिक्स किसके इक्वल है, माइनस का 4 8 4 माइनस 1 2 1 माइनस 3 6 3। तो पहले हमें ए मैट्रिक्स को लेना होगा, तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन के रूल से लेंगे, ठीक है। तो ए इक्वल टू में क्या लेंगे, तो हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं ए बी सी। अब कहोगे कि सर ऐसा क्यों लिए, क्योंकि देखो ये जो मैट्रिक्स है ये आपका इसमें 3 रॉ है और 1 कॉलम है, ये जो मैंने मैट्रिक्स दिया है उसमें क्या है आपका 1 रॉ है और 3 कॉलम है, तो दोनों को प्रोडक्ट होने के लिए पहले इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रॉ के इक्वल होना चाहिए, जो कि हो जा रहा है, और इन दोनों को प्रोडक्ट करने से जो आएगा वह क्या आएगा, 3 बाई 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स आएगा कि नहीं, इसलिए मैंने ए मैट्रिक्स को ये माना हुआ है। चलिए देखते हैं, 4 1 3 और यहाँ पर हम लोग लेते हैं ए बी सी, और यहाँ जो दोनों का प्रोडक्ट मैट्रिक्स है माइनस का 4 8 4 माइनस का 1 2 1, ठीक है, और यहाँ पर क्या है आपका माइनस का 3 6 3। चलिए अब इन दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ से तो आएगा फर्स्ट रॉ में फर्स्ट कॉलम से 4a, सेकंड रॉ में फर्स्ट कॉलम से a 3a, फर्स्ट रॉ में सेकंड कॉलम से तो 4b b और 3b, फर्स्ट रॉ में थर्ड कॉलम से तो आपका यहाँ हो जाएगा आपका 4c, सेकंड रॉ में थर्ड कॉलम से तो आपका c, और यहाँ पर आ जाएगा आपका थर्ड रॉ में थर्ड कॉलम से तो 3c, और इक्वल टू में जो दिया है मैट्रिक्स माइनस 4 8 4 माइनस 1 2 1 माइनस 3 6 3। चलिए तो अब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करोगे तो 4a इक्वल टू में माइनस का 4, यानी a का वैल्यू आ जाएगा माइनस का 1, 4b इक्वल टू में 8 हो जाएगा यानी b का वैल्यू आ जाएगा 2, ठीक है। चलिए चलिए अब इसके बाद 4c इक्वल टू में 4, यानी यहाँ से c का वैल्यू आ जाएगा आपका कितना 1, तो देयरफॉर हमारा जो मैट्रिक्स ए है वह ए बी सी था ना, माइनस 1 2 1 इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे, समझे ना। फिर इसका